21 मार्च बड़ा दिन, दिवाली मनाए कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर सचिवालय में हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे 31 मार्च नजदीक आ रही है, सचिव स्तर के बड़े अधिकारियों के पास केवल फाइलों के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। ये वही फाइलें हैं जिन्हें 31 मार्च से पहले क्लियर किया जाना है। इन फाइलों में पुलिस पे बैंड, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स और राइडर जैसे मामले शामिल हैं। अब सरकारी सूत्रों से ये खबर छनकर आ रही है कि इन तमाम मसलों पर 31 मार्च को ही हल निकाला जाएगा और उसी दिन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की घोषणा की जा सकती है। इसमें पंजाब सरकार की घोषणाओं को हिमाचल सरकार ने बड़ी ही गंभीरता से लिया है, जहां पर कर्मचारियों के वारे न्यारे हो रहे हैं। कर्मचारियों में उलझन बढ़ गई है और किस लिए उलझन बढ़ी है इस पर चर्चा हो रही है। तो ओंकार जी, शुरुआत करते हैं। पुलिस कर्मचारियों का इंतजार तो खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि पे बैंड करेक्शन की जो बात कर रहे थे, मांग लगातार उठाई जा रही थी, वो करेक्शन कर दिया सरकार ने, अब नोटिफिकेशन ही जारी होगी। बिल्कुल, क्या जानकारी है? देखिए, ये बहुत बड़ी एक राहत है पुलिस कर्मचारियों के लिए। हालांकि इस फाइल ने इतना सफर राजेश जी कर लिया है कि अब इसे ठिकाना जो है वो मिलना ही चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, हजारों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। पे बैंड करेक्शन के बाद अब जैसे ही कैबिनेट की मोहर इस पे लगेगी तो वैसे ही पुलिस कर्मियों को जो है लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एक वर्ग से, ये एक ही वर्ग के साथ जुड़ी हुई राहत की खबर है। तो पुलिस बैंड में इसमें कम से कम 2015 16 के जो कर्मचारी हैं, तो उस बैच के पुरुष कर्मचारियों के इसमें जो है वो कम से कम 23 करोड़ का जो फायदा है वो सरकार देने जा रही है। जी, फायदा देने जा रही है सरकार। और तीन मुख्य मांगों को लेकर पुलिस कर्मी लगातार दबाव भी बनाया था। आप देखिए, जेसीसी के अगले दिन ही उन्होंने ओक ओवर पहुंच के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की थी। 25 जनवरी को ठोडो मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा कर दी थी कि पे बैंड करेक्शन को लेकर इसमें करेक्शन सरकार करेगी। अब 25 जनवरी के बाद आप देखिए 25 मार्च को जाके अगर राहत कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को मिल रही है तो खुशखबरी है, यानी कि मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात उन कर्मचारियों की कर लेते हैं ओंकार जी, जिनकी उलझन लगातार बढ़ती जा रही है, अभी हल होता हुआ मसला उनको नजर नहीं आ रहा है। मसला हम बात चर्चा हम करेंगे, राइडर पे कोई अपडेट आई या नहीं आई, क्योंकि पूरा कर्मचारी जो है वो इससे परेशान खासे नजर आ रहे हैं। जी राजेश जी, बिल्कुल, राइडर की बात हम बार बार कर रहे हैं और हर रोज सरकार से हम फीडबैक भी ले रहे हैं जी। तो अभी ये फाइल जो है वो फाइनेंस के पास पहुंची हुई है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही कोई फैसला जो है वो ले लिया जाएगा जी। हालांकि राजेश जी, अभी भी 30% ऐसे कर्मचारी हैं जो राइडर के कारण सीधे तौर पर प्रभावित है जी। इसे भी एक तरह से मैं समझता हूँ पेच के तौर पर देखा जा रहा है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस समस्या को भी जो है वो समय पे हल कर लिया जाए जी, हल कर लिया जाए। लेकिन अभी समस्या हल होती दिख नहीं रही है ओंकार जी। बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो एक जो सवाल अब सबसे बड़ा ये इसलिए खड़ा हो रहा है कि पे कमीशन जो ऑप्शन देने की जो अंतिम तारीख सरकार ने तय कर रखी है वो पास आने वाली है, अभी पास आने वाली है वो तारीख जी, जी। और अभी तक क्या सभी कर्मचारियों ने ऑप्शन दे दी है? सवाल राइडर से ही जुड़ा हुआ है, क्या जानकारी क्या है इसमें? ये जानकारी निकल के आती है कि पे कमीशन पर ऑप्शन देने की लास्ट डेट जो है वो, जैसे हम बात कर रहे हैं, 31 मार्च है राजेश जी, जी। अगर 31 मार्च तक सभी पात्र कर्मचारी ऑप्शन दे देते हैं तो अगला प्रोसेस जो है तभी शुरू हो पाएगा जी। अभी भी सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी ऑप्शन का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, और अगर ऐसे में कोई छूट जाता है तो बाद में इसे शायद प्रोसेस में लाना जो है वो मुश्किल सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 31 मार्च तक की ऑप्शन की लास्ट डेट सरकार तय कर रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि आप राइडर पे फैसला लीजिए, राइडर पे फैसला लेने के साथ साथ इनिशियल स्टार्ट कर्मचारियों का फंसा हुआ, जब तक ये दो समस्याएं हल नहीं होंगी, एरियर पे बात अभी बन नहीं रही है, तो कर्मचारी इस तरह से एक तरह से फंसे हुए हैं, ऑप्शन दे नहीं रहे। और जैसा आपने कहा 30% के करीब प्रदेश के अगर कर्मचारी हैं 1.5 लाख में से, तो आप ये देखिए कि बहुत बड़ा एक वर्ग सरकार के सामने खड़ा है जिनको इस पे कमीशन का लाभ अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका लाभ की 1 जनवरी 2016 से मिलना है। तो इसीलिए अब कर्मचारी, क्योंकि अब 6 दिन का वक्त बचा है और आज का भी हटा देते हैं तो 5 ही दिन बचे हैं कर्मचारियों के पास 31 मार्च की ऑप्शन के लिए। ओंकार जी, 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के ठोडो मैदान से 15% का जो तीसरा विकल्प कर्मचारियों के सामने खोला था कि आप तीसरा विकल्प भी ऑप्ट कर सकते हैं, उस इसमें जो जो कर्मचारी जो फंस गए थे, जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था,
अब वो कर्मचारी भी सीधे तौर पे लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारी बात भी सुन लीजिए, कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है हमें, इसमें है क्या अपडेट क्या है? जी बिल्कुल राजेश जी, 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था कि 15% का ऑप्शन जो है वो कर्मचारियों को दे दिया जाए जी। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा कि जब पे कमीशन पे जो मसौदा तैयार किया गया था जी, तो तभी से कई ऐसी बातें थी जो कर्मचारियों के ध्यान में थी भी, पर सरकार ने उनको इस तरह से समझाने की कोशिश की थी कि ये जो मसौदा है, इस मसौदे के अनुसार जो है वो सरकारी जो कर्मचारी जो है वो समझौता करें, पर समझौता हो नहीं पाया। कर्मचारियों के कई उसमें सुझाव थे, उन सुझावों को नहीं माना गया और कर्मचारी अब भी उन सुझावों पे अड़े हुए हैं कि इन सुझावों को मान लिया जाए। तो कर्मचारी से एक तरह से लाभदायक सौदा जो है नहीं मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एरियर तो मिलने वाला नहीं है। एरियर की परिस्थितियां पहले से ही तय हो गई थी कि 15% के विकल्प के साथ एरियर मिलेगा नहीं। अभी ओंकार जी आपको क्या लग रहा है कि ये जो विकल्प, तीसरे विकल्प का जो मसला है या कोई भी विकल्प पे कमीशन का लाभ देने का जो 31 मार्च की डेडलाइन सरकार ने कर्मचारियों के पास दे रखी है, आपको क्या लग रहा है 31 से पहले पहले तमाम कर्मचारियों के मसले हल होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर 31 मार्च से डेट आगे बढ़ जाएगी? राजेश जी, मुझे नहीं लगता कि अब ऑप्शन के जो मामले हैं वो सरकार जो है उनको लंबा खींचना चाहेगी जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर बोझ है और सरकार चाहती है कि इससे जितना जल्दी मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है वो सरकार का सारा ध्यान जो है वो चुनाव के ऊपर केंद्रित हुआ है जी। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन वाले मामलों को अब जो है लिंगर ऑन किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी सूचना नजर आई नहीं है ओंकार जी कहीं कि जिस पे सरकार ने राइडर पे फैसला ले लिया हो, इनिशियल स्टार्ट पे फैसला ले लिया हो, एरियर पे फैसला ले लिया हो। अभी ये लग रहा है कि शायद 31 से पहले पहले अभी कर्मचारियों को एक तरह से अगर हम राहत की बात करें तो वो अभी, क्योंकि अभी सरकार की महत्वपूर्ण बैठकें हैं आने वाले दौर में। बिल्कुल, आज तो मुख्यमंत्री यूपी में भेजी थे, इसके बाद लौटेंगे हिमाचल, तो उसके बाद देखेंगे होगा क्या, चंडीगढ़ जाएंगे शाम को। अगर 31 मार्च से क्या लग रहा है कि कर्मचारियों की उलझन हल हो जाएगी नहीं होगी, क्योंकि डेट एक्सटेंड होने की बात हो रही है अब तो? देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो उनका यही कहना है कि 31 मार्च से पहले पहले सरकार जो है कर्मचारियों के कम से कम 60-70% जो उलझने हैं उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे लाभ जो है 31 मार्च से पहले पहले दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, एक बहुत बड़ा सरकार के पास जो सरकार के सिर पे बोझ है, तो इस बोझ को हल्का करने के लिए 31 मार्च का दिन है, क्योंकि अगले 31 मार्च के बाद जो है आपको पता होगा कि नया साल जो है, नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। तो उस 31 से पहले पहले जो है सरकार सारा जमा जोड़ इकट्ठा कर लेगी और 31 को बड़ी घोषणा जो है हमें देखने को मिल सकती है। क्या बात, बड़ी घोषणा मिल सकती है कर्मचारियों के लिए, एक तरह से खुशखबरी आप कह रहे हैं, खुशखबरी आ रही है आने वाले दिनों में, बहुत बड़ी बात है समस्या हल हो जाए, क्योंकि लगातार ये केस एक तरह से खींचता रहा है। 1 अप्रैल का आपने जिक्र किया, नया हमारा वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। बजट को अगर हम देखते हैं, 4 मार्च को जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया था ओंकार जी, उसमें कई जो पैरा जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी भी बढ़ाई है, अब उनकी जो 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगी, तो राहत तो उन कर्मचारियों को मिलती हुई मई में नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल नए साल में जो लोगों के देय लाभ और भुगतान है उनको और जो नया वेतन मान है वो उपलब्ध हो जाएगा, सरकार ने ऐसा सोच रखा और तय हो चुका है लगभग। तो जाहिर है इनके मामले जो है वो सुलझ चुके हैं और जिनके मामले सुलझ चुके हैं उनके लाभ जो है वो 31 को हम जिक्र कर चुके हैं कि मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल 31 को इनको लाभ मिलने वाले हैं, लेकिन जिनके लिए घोषणाएं हो रखी हैं उसमें चाहे आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, चाहे उसमें सहायिकाएं हैं, चाहे उसमें पंचायत चौकीदार हैं, चाहे उसमें सिलाई अध्यापिका है या अध्यापक हैं, चाहे उसमें कोई भी होमगार्ड के जवान है, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, हालांकि आउटसोर्स बारे पॉलिसी उनके लिए बनने जा रही है और अगर कैबिनेट जो सब कमेटी के अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने उन्हें मंडी तलब कर लिया, एक तरह से बातचीत के लिए बुलाया है 28 मार्च को, यानी कि वो बातचीत होने जा रही है, 29 को कहा जा रहा है कि घोषणा हो जाएगी इनके लिए पॉलिसी की, तो बहुत बड़ी बात होगी। एसएमसी का पेंच फंसा हुआ, क्योंकि एसएमसी भी पॉलिसी की लगातार मांग कर रहे हैं, अभी तक पॉलिसी का उनके लिए ऐलान हो नहीं पाया है। तो कई और वर्ग हैं जो ये कहे जिनको सरकार ने जिनका वेतन तो बढ़ा दिया या मानदेय तो बढ़ा दिया है, अब वो आने वाले दौर में आने वाले जो, क्योंकि पहली से वो चीजें लागू हो जाएंगी मई में, उनकी सैलरी नए वेतनमान के तहत क्रेडिट होने जा रही है, बिल्कुल उन कर्मचारियों के लिए राहत है। बाकी कर्मचारियों को 31 से पहले पहले जैसे आपने बताया राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, तो कर्मचारियों की एक तरह से उलझन भी बढ़ी है लेकिन राहतें भी मिल रही है ओंकार जी।